अभी यूट्यूब की ताकत है कि भैया हमसे मिलने नागपुर से यहाँ आए भाई ये मशीन लेने के लिए। बाय रोड नॉन स्टॉप रात भर गाड़ी चलाया मैंने, 850 किलोमीटर चलाया मैंने नागपुर से यहाँ तक। नागपुर से 850 किलोमीटर गाड़ी चला के आए हैं भैया हमसे मशीन लेने, तो ये कुछ मैंने कमाया। एक फरवरी टाइम बज गया है, 2 बजा है और एक कॉल आ रही है मेरे पास लगातार। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे सबसे ऊपर नागपुर, तो नागपुर से भैया आए हैं जो मैंने एक लास्ट वीडियो डाला था 72 के अकॉर्डिंग, उसको लेने नागपुर से कुछ लोग आए हुए हैं। तो अभी हम चलते हैं सीधे उनके पास और आप उनको लेके आते हैं अपने, मतलब जो जहाँ पे रूम है जहाँ पे मशीन रखी है यहाँ पे उनको लेके आते हैं और उनसे मिलते हैं। ऑटो से आए हैं तो अभी हम लोग चल रहे हैं। आ चलो चाबी लो। अरे तो 3 लोग हैं तो उनको बैठे लोग एक्सेप्ट लाद के लाएंगे हम लोग, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं और लेके आते हैं उनको। हम बोला घूमने भी हुए थे कार से, कार होटल में रख दी, 2 बार पुलिस ने पकड़ा हमको कल। यहाँ पे होटल है, 8-9 किलोमीटर कल इतना परेशान किया पुलिस वालों ने, फैंसी नंबर प्लेट है बोले। बोला सर बोला ऐसा नहीं बोला, ऑलरेडी हम नागपुर से आ रहे, बोला किसी ने नहीं बोला, नंबर देख के बकरा बनाते हो। लाएंगे 8-9 किलोमीटर तो गाड़ी 850 किलोमीटर गाड़ी चलाया, 850 किलोमीटर गाड़ी चला के हमारे पास आए हैं। हाँ चलो अभी मिलते हैं और भैया को घुमाएंगे लखनऊ भी, पहले अपना काम की बात हो जाए। अभी यूट्यूब की ताकत है कि भैया हमसे मिलने नागपुर से यहाँ आए भाई ये मशीन लेने के लिए। बाय रोड नॉन स्टॉप रात भर गाड़ी चलाया मैंने, 850 किलोमीटर चलाया मैंने नागपुर से यहाँ तक। नागपुर से 850 किलोमीटर गाड़ी चला के आए हैं भैया हमसे मशीन लेने, तो ये कुछ मैंने कमाया ही होगा शायद, तभी तो भैया यहाँ पे आए हैं लखनऊ, नागपुर टू लखनऊ। बाकी इसमें जो जेरोक्स एरोक्स में जो फ्रेंड बना आता है वो ये मशीन तो ऐसा है कि ये मशीन मेरे लिए ने, हमने अब बता आप आओगे नागपुर, 3 मंजिल घर बना लिया इसके भरोसे, हमारा घर शादी हुआ है। तो भैया बाकी सीन कंप्लीट हो चुका है, ये मशीन तो रेडी हो ही गई थी, आप ही के निकाल के चेक करा दिया था। हम लोग गए थे IT दूसरी मशीन खरीदने, तो 8500 मशीनें खरीदी है और वो भी डाले पे लद के आ रही है, हम लोग पहले आ गए, वो भैया जो नागपुर से भाई लोग आए हैं वो डाले में बैठ के ही आ रहे हैं। तो अभी मशीन आएगी वो भी यहाँ पर रखेंगे और पैकिंग वाला बुलाएंगे, कल मशीनें कोरियर में सेंड करनी है। तो अब इस यूट्यूब से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि यूट्यूब से मेरे एक वीडियो डालने के बाद भाई लोग नागपुर, जो यहाँ से करीब 900-1000 किलोमीटर है लखनऊ से, वो नागपुर से कस्टमर आया और कस्टमर ने बात करी, मशीन देखी और मशीन परचेज करी। अभी 8500 और परचेज करी, वो आ गई, ये देखिए डाला आ गया है, ये डाला आ गया, अनिल डाला को गेट खोलने गया है, आ जाओ तुम्हें अपना। और हम लोग यहाँ अभी देखिए डाला आ रहा पीछे हमारे, ये डाला आ रहा है और इसमें 8500 मशीन रखी है, इसमें 8500 मशीन रखी है, हम आपको दिखाते हैं नज़दीक से। ये दूसरी मशीन भी आ गई हमारे एड्रेस पे, और एक बार रखी है और ये अभी मशीन को पैक करने का काम है जो मे भी कल होगा और कल लोग रुके मशीन रखने का। थोड़ा घुमा के उल्टा कर अभी इसको पैक करके यहाँ लगाते हैं और मशीन वहाँ पे अपने एड्रेस पे रखते हैं। The world seems small, we can sit together
It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. हेलो भैया, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज है 2 फरवरी, 2 फरवरी, और कल जो भैया आए थे नागपुर से मशीन के लिए, तो अभी फाइनली क्या है कि 2 मशीनें परचेज कर ली थी, रात में दोनों अपने रूम पे ले आए थे, एक और 85 थे, तो अभी वो पैकिंग हो रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ पैकिंग कैसे हो रही है। ये 85 मशीन हमारी है और ये अब पैक हो रही है। ये भैया पैकेज मूवर से आए हैं, जो क्या नाम है, अच्छा यस भारती पैकेट एंड मूवर्स है, ये लखनऊ में ही है। अगर आपको कहीं पैकिंग करानी हो तो इनका नंबर हम डाल देंगे। और ये देखिए 85 मशीन पैक कर रहे हैं बबल्स वाले इससे, और इसके ऊपर ये लगाएंगे, उसके बाद ये आई थिंक थर्माकोल की पैकिंग लगाएंगे। तो चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं पैकिंग करते हैं। करिए करिए, खतरनाक तरीके से पैकिंग हो रही है यहाँ पे। अब मशीन नागपुर जाएगी तो ट्रांसपोर्ट में जाएगी, तो पैकिंग अच्छी होनी चाहिए, तो पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। चक्कर में ये भैया ऊपर से नीचे तक पूरा पैकिंग कर रहे हैं, लेमिनेशन कर रहे हैं। अभी हम आपको पूरा दिखाएंगे फिर। एक मशीन पैक हो चुकी है और दूसरी मशीन यहाँ पे पैक हो रही है। अभी हम आपको दिखाएंगे मशीन पूरी पैक हो, ये तो पूरी पैक हो चुकी है, ये मशीन पूरी अच्छे तरीके से पैक हो चुकी है। थर्माकोल भी डाला गया है इसमें, ये देखिए थर्माकोल रखा है और एक गत्ता रखा है और वो बबल्स वाली पन्नी, वो सब कुछ मिला के इसको अच्छे से पैक किया गया है ताकि जाने में इसको कोई इशू ना हो सकता है। मशीन चलाना बहुत ही मेहनत का काम है, टेक्निक और मेहनत दोनों चीजें लगेंगी तब काम होगा। तो अभी टेक्निक लग रही है, मेहनत करके हम लोग देख चुके हार गए, मेहनत से कुछ नहीं हुआ, मेहनत से जुगाड़ से हुआ है। अभी टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निक लगाई जा रही है, जुगाड़ अभी जुगाड़ से, अभी जुगाड़ से मशीन चढ़ाएगी ऊपर, देखते हैं। चलो चलो, 1 मिनट, 1 2 3 काम नहीं कर रहे थे कि पूरा रेड रेड हो गए, मतलब उंगलियां बस कांप रही हैं, इतनी ज़्यादा ताकत लग गई है। तो चलिए ठीक, अब हमारी मशीन पैक हो गई है, अभी ये जाएगी ट्रांसपोर्ट पे, वहाँ से सीधा नागपुर। तो दिखाते हैं आपको अभी आगे का सीन। तो ये भैया आ गया, हमारा क्रेन आ गया, वो हमारी डाला कृष्णा भाई लेके आएंगे अभी, और ये इसमें फंसा के मशीन वहाँ पे रखनी है, बस मशीन यहाँ पे रखेंगे। स्कॉर्पियन ट्रांसपोर्ट कंपनी, अभी डाला आया हमारा, हम आपको दिखाते हैं, ये हमारी दोनों मशीनें हैं इसमें। ये दोनों मशीनें और
इससे उठेंगे। मशीन हम लोग ट्रांसपोर्ट पर छुड़वा दिए हैं, मशीन ट्रांसपोर्ट पर छुड़वा के और भैया को उनके होटल पे छोड़ते हुए जहाँ से उन्होंने अपनी गाड़ी उठाई और वापस निकल गए नागपुर। अमीनाबाद में थोड़ी शॉपिंग भी करवाई थी बट इतना बिजी शेड्यूल था कि हम वीडियो शूट नहीं कर पाए, उसका हमने शूट नहीं किया। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा पूरा वीडियो देखा। और ये वीडियो बनाने का मेरा कोई मतलब ऐसा नहीं था, मेरा मतलब यही था कि अगर आप भी इस तरीके से मशीन परचेज करना चाहते हैं, पुरानी मशीनें पड़ते हैं, मतलब आप अच्छे से डील करना चाहते हैं कि आपके सस्ते में आपका जुगाड़ हो जाए, मशीन आपको मिल जाए, तो आप भारत के किसी भी हिस्से में रहते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपना काम कर सकते हैं। आप लखनऊ आके मशीन ले सकते हैं, आप दिल्ली आके मशीन ले सकते हैं, आप कहीं से भी मशीन का काम कर सकते हैं, मशीन हमसे परचेज कर सकते हैं। अगर आपको हमसे मशीन लेनी है लखनऊ में, आपको कोई सी भी मशीन की रिक्वायरमेंट है, आप हमसे बताइए। एक दो चार दिन का टाइम लगेगा मशीन ढूंढने में, अगर मशीन मेरे पास रेडी टू स्टॉक में जो रहेगी वो तो मैं यूट्यूब पर अपलोड करता ही रहूँगा कंटिन्यू। बट अगर आपको कोई मशीन की रिक्वायरमेंट है और आप नई पुरानी कैसे भी, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी से अच्छी मशीन आपके बजट में प्रोवाइड कराएं। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और बहुत अच्छा धन्यवाद आप सभी का, YouTube परिवार का, हमारे वीडियो को देखने के लिए और इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए। तो चलिए मिलते हैं जल्दी आगे ज़बरदस्त और लाजवाब एपिसोड में। तो तब तक के जय हिंद, नमस्कार।